अलीशा, अरे व्हाट्स हैपनिंग? ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए। नो। यस, मैं जा रही हूँ फॉर गुड। अलीशा सुनो, अरे रुको तो, ये अचानक कैसे? अचानक क्यों? क्या इतने दिन के हालात अचानक थे कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो अचानक है? नहीं सुधन, नाइदर इज दिस। इट्स बेटर आई लीव रवि। तुम अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जियो और मैं अपनी तरीके से। अलीशा लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आई मीन तुम यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि क्योंकि मुझे लगा था मैं अपने रवि को फिर से मिल सकती हूँ, उसे फिर से पा सकती हूँ। लेकिन कितनी गलत थी मैं रवि, क्योंकि जिस रवि से मैंने कलकत्ता में प्यार किया था, जिसके साथ मैंने फ्यूचर प्लान्स बनाए थे, वो रवि तो मुझे यहाँ आकर भी नहीं मिला। मैंने तो अपने रवि को खो दिया ना रवि। तुम मेरे रवि नहीं हो सकते, इसलिए आज तुम जहाँ भी हो, कैरी ऑन विथ योर लाइफ एंड योर प्रायोरिटीज एंड आई कैरी ऑन बोथ माइन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस इतना ही था हमारे बीच, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी फिर से? वंस मोर, हाँ? सो वी मेट अगेन जस्ट टू पार्ट अगेन। रवि यही दुनिया का दस्तूर है। तो अगर मैं आज यहां नहीं आता तो मुझे बताती नहीं? मैं इतना गैर इतना पराया हूं अलीशा। मत कहो ऐसे रवि, प्लीज डोंट। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कलकत्ता से मुंबई सिर्फ तुम्हारे लिए आई? तुम्हें ढूंढ निकाला इसी उम्मीद में यहां रही कि हमारे बीच में वो पैदा हो जाए जो पहले था। फिर भी तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो मत जाओ ना। नहीं रवि, इट्स पॉइंटलेस स्टेइंग ऑन एंड वेटिंग ऑन। जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्या इंतजार करना? देखो रवि, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं अपनी नई मंजिलें और राहें तलाश करूँ। आई हैव टू रवि, सो बाय। अलीशा, और अगर मैं कहूँ कि रुक जाओ, मेरे कहने पर भी नहीं रुकोगी? किस लिए रुकूं? क्या तुम मुझे कोई भी कमिटमेंट दे रहे हो? फिर कैसा रुकना, किस लिए रुकना? या फिर तुम तुम्हारे और पिक्सी के रिलेशन को नकार रहे हो? आर यू गोइंग टू गिव मी एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट रवि? पता नहीं, लेकिन प्लीज फॉर ओल्ड टाइम्स सेक मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, टू वर्क इट ऑल आउट। देखो अलीशा, मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत ट्रोमैटिक रहा है। आई डोंट वांट टू कॉन्शियसली हर्ट एनी वन ऑफ यू, लेकिन अगर तुम इस तरह चली जाओगी तो मुझे यही लगेगा कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। हमारे बीच में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आई स्टिल लव यू अ लॉट। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो मैं तुमसे कुछ ही दिन तो मांग रहा हूं टू मेक अप माई माइंड, प्लीज। ठीक है रवि, सिर्फ एक महीना। एक महीने के बाद आई गो माई वे एंड यू गो योर्स।